relatively economies. So the math ke tamam leaders ko aur khususan chairman sahab ko jitni yahan par jo jud hai sab ko aapne to google di aur aaj tak tera fazl hai ki hum sindhu ki zameen par hain taaki apni qoum ke liye apne aap ko khada kar sake. Is baat ke liye hum shukrgozari karte hain aur is tarah se meherban khuda ne isko aaye me jo aakar ke liye aur isi tarah se tamam yahan par jitne bhi log baithe hain sab ke liye aur khususan apne bhaiyon ke liye जो कि दूर दराज से यहाँ तक हम तक बात फाजत पहुंचे इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और जितनी भी बात की तो मेहरबान खुद ने इसमें हमारा हाथी और एहतमाम करना सब कुछ सुना और बड़ी बरकत देना इस खुदी के वसीला से किसी शायर का कहना है कि वो आए जो हमारे कहने पे ये खुदा की कुदरत है वो आए हमारे कहने पे ये खुदा की कुदरत है कभी हम उनको तभी हम अपने आप को देखते हैं कभी जनाब अमजद जवेद खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल न्यूज़ साहब और उनके साथ मिस्टर अजाज इनका हम और उनकी तमाम टीम का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे चाहे सानिहा जड़ाला हो चाहे कोई भी जुल्म व सितम हो तो मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान जो है वो हर जगह पर आपको नजर आएगी और साथ ही इनके शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने अमजद जवेद साहब का जिनकी हुसासत से मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता है और उसके साथ हमारे मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान के साथी जनाब नदीम भट्टी साहब सदर हैं और उनके साथ हमारे बड़े प्यारे भाई नदीम गिल साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर है नेशनल न्यूज नामे के और उसके साथ नदीम भट्टी साहब सदर है ये मदीना टाउन के और उसके बाद नदीम गिल साहब है हमारे बड़े जोशीले नौजवान है जो नेशनल न्यूज की तरफ से हर किसी भी कोई सानिया हो तो ये आगे बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं और उसके साथ है हमारे प्यारे भाई बूटा भट्टी साहब ये है जनरल सेक्रेटरी सिटी फैसलाबाद के और उसके साथ हैं साजद चौधरी ये सदर है सिटी यूथ के और ये इनकी टांग ना ये टांग नहीं है एक भाई की लेकिन ये मिनोरिटीज नाइस पाकिस्तान के लिए बड़े बाजू हैं और हमें इनको देखकर बड़ा इंस्पायर होते हैं कि कौम के अंदर ऐसे नौजवान होने चाहिए जो अपनी कौम की दर्द रखते हों और उसके साथ हैं अमर गिल साहब हैं जो हमारे सदर हैं और उसके बाद शुबाज घोष साहब हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और हमारे बड़े प्यारे भाई हमारे साथी हरून माइकल एडवोकेट जो किसी मुहताज के जो तारीफ नहीं है बल्कि हम बड़े इंस्पायर होते हैं कि जब इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ मिनोरिटीज नाइस पाकिस्तान ही हमने देखा है जब से हम पैदा हुए हैं कि कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकती है अपनी कौम के हकों के लिए तो हमारी ये सारी टीम जो है और उसके साथ लॉरेंस गिल साहब है और कुछ दोस्त मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके यहाँ पे तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मामला होता है तो हमारे गायक मुहतरम जनाब अकबर भट्टी साहब और हम जब बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब कौमों की जंगें होती थी तो लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा था कि तू हाथ उठा के अपनी कौम के लिए दुआ कर और यशुआ को कहा था कि तुमने क्या करना है अपनी कौम के लिए लड़ना भी जाने जंग में तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल हमारी क्यादत जो है ये ना डरती है ना झुकती है बल्कि अपनी कौम के हकूक के लिए हर कदम आगे जाती है तो मैं अपने भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम देखते हैं कि हमारी मैप को हमारी टीम को हमारी पार्टी को नेशनल न्यूज नामा बड़ा प्रमोट करता है तो हम पहले भी डिस्कस इस बात पे कर रहे थे कि नेशनल न्यूज नामा जो है ये हमारे लिए एक बड़ा बायस बरकत भी है कि ये हमेशा हर फोरम पे हमें आगे लेके जाता है बताना चाहते हैं कि मैप एक वो प्लेटफॉर्म है कि दुखी और लाचारों को हम इकट्ठे करती हैं और मैप हर उस बंदे की आवाज बनती है जिसकी कोई सुनता नहीं है और यहाँ पर जब सानिहा जड़ा हुआ तो हमने अपनी जिंदगी में मुल्क पाकिस्तान की तारीख का पहला सानिहा देखा था
और यहाँ पर हमने देखा बड़े बड़े ऐसे नाम है, मैं उनको एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहता हूँ, सारे समझते हो, तो वहां पे लोग जल रहे थे वहां पे, लेकिन कोई बंदा भी वहां पे नहीं पहुंच पाया, और ये सिर्फ और सिर्फ मैप ही थी। हमारे कायद अकबर भट्टी साहब थे और उनके साथ कुछ दोस्त थे जो वहां पे गए, दुनिया को बताया कि मैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई शख्स भी, बल्कि यहाँ पे हमने देखा है कि मुल्क पाकिस्तान के बारे भी कुछ होता है ना, तो हमारे कायद यहाँ पर आवाज उठाते हैं। ऑप्शन का जो मैप के साथ जो है वो हम वक्त के साथ होते हैं, जब भी मैप हम किसी भी फॉर्म से आवाज उठाती है तो उसको जो है वो आगे यूटिलाइज करना और आगे उसको भी नेशनल तक पहुँचाना, पूरी कौम तक पहुँचाना है, वो आपके चैनल की मुसाफत से जो है हम अपनी आवाज से पहुँचाते हैं। तो मैप जो है वो हमारे जो कायद जो हैं बहुत नडर हैं, हर बात में हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरह से हम इन मामला में जो है बाज़ इंसान होते हुए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जब वो हमारे जो कायद जो हैं वो मजबूत बाजू जो है हमारे लिए जो है मजबूत बाजू का सहारा बनते हैं, तो फिर हम उन्हें और ज़्यादा निकल जाती है। तो मैप ने हर फॉर्म पर उन तमाम कमजोर और बेसहारा लोगों की आवाज बनने के लिए अपने आप को पेश किया। रिसेंटली मैं इस बात का विटनेस भी हूँ कि हमारे इलाके में जो है वो एक मर्डर केस जो है वो सामने आया, जिसमें बहुत कमजोर आप लोग थे और बहुत वो ताकतवर थे, लेकिन फिर भी हमारे कायद ने जो है वो जुर्रत का सामना करते हुए उनके सामने हम खड़े हुए और उनने फाइट करने की पूरी कोशिश की। बजाते हमारी कौम जो है वो बाज का खुद हमें कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे कायद ने हमें सिखाया कि हमें हमारी जिंदगी में ये तसलसल जो है वो चलता है, बाज़ हम कभी गिरते हैं फिर हमें खुदा जो है वो उठा खड़ा करता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होती है, जब हमारी आइडियोलॉजी जो है वो पॉजिटिव होती है और जब हम कौम के लिए दर्द रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मैथ के अलावा जो है ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं जो नडर होते हुए किसी भी जुल्म और सितम का सामना करने के लिए हर वक्त जो है वो खड़ी होती है। तो इसके लिए सर मैं आपका नहायत शुक्रगुजार नेशनल न्यूज़ नामा का आपका बहुत बड़ा किरदार, और मैं इस बात से भी तवक्कु रखता हूँ कि आइंदा आने वाले अयाम में सालों में जो है आप हमारे साथ इसी तरह से इस मोहब्बत का इजहार करते रहें, ताकि हम सब मिलकर कौम के दर्द को जो है वो कौम के तमाम मसाइल को जो है वो उजागर कर सकें, ताकि उनके मसाइल जो है वो हल करने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया सर, थैंक यू। मैं चाहता हूँ अब साजिद भाई वो इजहार ख्याल करें। सबसे पहले तो जनाब अमजद जावेद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप न्यूट्रल अलायंस पाकिस्तान के बुलाने पर आज इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे तारुफ आमिर भाई ने बहुत अच्छा करवा दिया, हमारे कायद अकमल भट्टी और न्यूट्रल अलायंस पाकिस्तान पाकिस्तानी अकलीतों की आवाज़ बनते हैं, लेकिन हमारे जो फहरिस्त अवल में जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो अखबार आते हैं उनमें नेशनल न्यूज़ नामा फहरिस्त अव्वल में है जो हमारी आवाज़ को यूटिलाइज करता है और आगे सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को अवेयर करता है, अपनी अकलीती एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताता है और न्यूट्रल अलायंस पाकिस्तान को आगे फैलाने में एक बड़ा जरिया है। और लोग समझते हैं, पाकिस्तानी अकलीतें इस चीज़ को समझना शुरू हो गई है, इस चीज़ को जानना शुरू हो गई है कि कोई है माइकल आर जो उनके हकूक़ के लिए भी खड़ा है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और नेक्स्ट इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि इसी तरह आप हमारी काविशों को इसी तरह फ़रोग देते रहेंगे और हमारे इसी तरह लोगों को पाकिस्तानी अकलीतों को इस तरह अवेयर करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो एक बार नेक्स्ट मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि अभी आप सबसे दोस्तों से गुफ्तगू हमारे कायद चेयरमैन मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान अकमल भट्टी साहब करें, तो मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने आज के गेस्ट हमारे भाई अमजद जावेद खान, इनका नहायत मशहूर हूँ और इनको यहाँ पे मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान में और फैसलाबाद में मैं वेलकम कहता हूँ, और इनके साथ इनकी तमाम टीम हमारे एजाज भाई, इनसे बड़ी हमारी रफाकत रहती है, गुरबत रहती है और यहाँ पे हमेशा वो बड़ा ख्याल करते हैं। हमारे कैमरा मैन है हमारे तारक प्यारा भाई, इनकी बड़ी मोहब्बत उनको भी और उनके जो दीगर टीम के मेम्बरान हैं, मैं तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। और ये जो मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान के आज हमने ये फैसलाबाद की जो हमारी टीम है उसमें जो खास लोग हैं कि उनको मदद किया था कि ताकि आपके एजाज में हम यहाँ पे एक छोटी सी तकरीब मुनक्कद कर सकें।
اور آپ کو ویلکم کہہ سکے, تو یہ سارے ساتھی جو آپ کے ویلکم کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اور میں کی موجودگی میں جس طرح سارے ساتھیوں نے کہا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کاوشوں کو, آپ کی جو صحافیانہ جو اسٹرگل ہے, جو کوشش ہے, جو آپ کی قوم کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے کہ بے شک آپ بیرون ملک میں ہیں لیکن آپ نے ہمیں ایک فورم دیا, ایک پلیٹ فارم دیا. اور میں ذاتی طور پہ معترف ہوں کہ میں نے جتنی اپنی اسٹرگل میں جتنی یہ کوششیں نیشنل نیوز نامہ کرتے دیکھا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی مسیحوں کے مسائل جو ہیں, چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں, اس کو فوری طور پہ یہاں پہ نیشنل نیوز نامہ قوم کی آواز بنا ہے, پاکستان کی مظلوم اقلیتوں کی, ہندوؤں کی اور سب کی آواز بنا ہے. میں یہ دعا کو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خدا ہمیشہ آپ کو مزید بلیس کرے اور آپ کا چینل بھی پروموٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی موجودگی میں میں اعجاز بھائی اور طارق صاحب کی خصوصی طور پہ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں, آپ کی عزت افزائی کرتا ہوں. اور یہ میرے الفاظ یقینی طور پہ یہ بڑی دل کی گہرائیوں سے ہیں آپ کے لیے کہ جو میں نے کمٹمنٹ اور پیشن اپنے اندر دیکھا ہے قوم کے درد, وہ بالکل آپ قوم کے اندر بھی. اور آپ نے ہمیشہ فوری طور پہ, میں نے بالکل رات 12 بجے بھی کسی ایشو کو ہائی لائٹ کیا تو جہاں بھائی نے جا کے دفتر کھول کے وہاں پہ جا کے اس خبر کو فوری طور پہ آپ کی اس محبت کی جو آپ نے بٹی کو ضرور کور کرنا ہے, اس کے لیے میں نہایت مشکور ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جگہ بھی ہم کور کرتے ہیں لوگ, لیکن نیشنل نیوز نمبر میں جا کے ہمیں ایک گھر لگتا ہے جیسے یہ ہمارا گھر ہے. یقینی طور پہ یہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ مناؤٹ پاکستان کا چینل, یہ ہمارا گھر ہے, ہمیں اس میں اتنی اپنائیت نظر آتی ہے اور کبھی بھی نہیں لگا مطلب. اور جو بھی کہا ہے, اور خصوصی طور پہ میں اس بات کے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے جو میڈیا کے ہمارے ممبر کی ٹیم کے جو ہمارے نظیم جلسہ بڑے ایکٹیو ممبر تھے, ان کو آپ نے اپنے ادارے کا حصہ بھی بنایا. اور انہوں نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت محنت کی اور دن رات مطلب آپ کے ساتھ جڑے رہے. اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ندیم بھائی بھی, اور کبھی کبھی ہم اجاز بھائی کو تنگ نہیں کرتے, ندیم بھائی کو تنگ کرتے ہیں کہ فوراً یہاں پہ پہنچے تو پھر ندیم بھائی, بلکہ مجھ سے زیادہ اجاز بھائی کو جب خبر ملتی ہے تو یہ ان کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ پہنچے. تو میں آپ کو ایک دفعہ اپنے شکر گزار ہوں امجد بھائی آپ کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی ہمیشہ میری آپ سے ٹیلی فون پہ گپ شپ ہوتی رہتی ہے. اور آپ نے بڑی قوم پرست ہے, آپ پاکستان اقلیتوں کے لیے مسیحوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں, اور ہمیشہ آپ نے جس آپ نے جو فیلڈ خدا نے جو ٹیلنٹ آپ کو دیا اس حوالے سے آپ نے بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیانت داری سے یہ جو توڑا آپ کو خدا نے کیا تھا اس کو آپ نے بالکل دیانت داری سے پورا کیا ہے. اور میں خصوصی طور پہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ منورٹیز لائف پاکستان, یقینی طور پہ بھی جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کا آئینہ ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کی جو شکل آنے والے دنوں میں بھی ان کو نظر آتی ہے. تو یقینی طور پہ میں نے جو وہاں پہ اپنی بائبل مقدس اور گرجا گھر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو, اور یہ ہمارا وہاں پہ جانا اور اس کو ایک ایک منٹ کی رپورٹنگ کی وہ نیشنل نیوز ڈراما جب بھی ہم وہاں سے, حالانکہ وہاں پہ نیٹ بڑا بند تھا, مسائل تھے, وہاں سے کوریج بھی نہیں ہو پا رہی تھی, پوری دنیا پہ پھیل رہا تھا, تو حکومت نے وہاں پہ وہ جیم کر دیے تھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے بڑی مشکل سے دور جا کے اس کو پھر ان کو بھیجتے تھے اور پھر یہ کور کرتے تھے. تو میں یہ یقین دلاتا ہوں آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کا یقینی طور پہ جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ نے بڑھ چڑھ کے پورا کیا ہے. آپ جہاں پہ ہم ہماری ایکٹیویٹی آپ نے پوری دنیا میں پھیلائی ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ خصوصی طور پہ منورٹیز لائنس پاکستان کی جو ہم انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اپنے اقلیتوں کے لیے, اس کی جو فیڈ بیک آتی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بہت ساری ہماری ویڈیوز ہیں جو جن کی لائکنگ اور ریٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ آپ کی بدولت ہے. اور میں یقینی طور پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, آپ کی طرف خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور یقینی طور پہ آپ کی تمام اس کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے منورٹیز لائنس پاکستان نے, ہماری ٹیم نے آپ کے لیے جو سوینیئر ہے ایک اعزازی شیلڈ, اس کو بھی ہم آپ کو پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ کو وہ بھی اپنی تحریک کی جانب سے ایک یادگاری شیلڈ دیں گے, اوارڈ دیں گے, تاکہ یہ ایک ہمیشہ ایک یادگار رہے کہ ہم ملے تھے, ہم اکٹھے ہو کے اس جد و جہد کا حصہ بنتے رہے ہیں. تو میں آخر میں آپ کا, آپ کی ٹیم کا یہاں پہ آنے کے لیے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے, اور خصوصی طور پہ اجاز بھائی آپ کا کہ آپ نے یہ ممکن کیا, یہ شیڈول آپ نے تیار کیا, اس کے لیے میں دل سے انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم امجد خان صاحب سے ملاقات ہو سکے.
और हम भाई बहन आपस में मिल के ये हमारी ज़रा एक हमारी तो बात होती है रहती है, लेकिन यहाँ पे आके टीम के साथ मिलना कि कौन लोग हैं ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। यकीनी तौर पे पता चलेगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तमाम लोग। मैं परसों जब मुझे वहाँ पे अकबराबाद में जब वो शुरू हुआ उन्होंने लोगों को घरों से निकाला तो मुझे एकदम फोन आ गया कि यहाँ पे शुरू हो गया तो आप आए। तो मैंने एक मिनट के लिए मेरे जहन में आया कि मैंने तो जा ही रहा हूँ, मैं तो अपने आप को आग में फेंकते ही फेंकता हूँ, लेकिन मुझे एकदम मेरी ज़मीर ने मुझे बोला कि मैं अपने साथियों को क्यों डालता हूँ। तो मैंने एकदम थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं अकेला ही जाऊँ दोस्तों को रहने, मैं उनकी ज़िंदगी क्यों खतरे में डालता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, वो हमारे साथी हैं, वो यकीनी तौर पर कुछ तस्वीर से करेंगे। तो वो मैंने फौरी तौर पे मतलब इस तरह के मैंने एक दो दोस्तों को बताया तो वो फौरन पहुँचे। तो ये कमिटमेंट है हमारे साथियों की कि बाकियों को मैं नहीं भी बता सका लेकिन वो लोग देखते रहे सोशल मीडिया पर, वहाँ पे पहुँचते रहे, वहाँ पर पहुँचते रहे। तो ये इस तरह की हमारी टीम है, ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में लोग हमारे बड़े कमिटेड हैं। और ये वो लोग हैं जो शहबाज वजीद के साथ क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट से काम करते थे हमारे साथ, वो लोग जिनको शहबाज वजीद ने प्रमोट किया, MLA MPS बनाया, उन्होंने उस मिशन से किनाराकशी कर ली, उनकी फैमिली ने तो उस मिशन से किनाराकशी कर ली, उनके यानी जो सगे बनते हैं उन्होंने तो वो अपना स्टाइल चेंज कर लिया, यानी चैरिटी की तरफ आ गए, डेवलपमेंट की तरफ आ गए, प्रोजेक्ट लेके। लेकिन हमने जो जो हकूक की राइट्स की मूवमेंट थी उसको जारी मिनोरिटीज पाकिस्तान ने रखा है। यकीनी तौर पर इस डेवलपमेंट भी कौम की जरूरी है, कौम के लिए स्कूल की जरूरी है, बाकी चीज़ें, लेकिन जब तक हमें हकूक नहीं मिलते हम कहीं भी सर्वाइव नहीं। अगर पहली जदोजहद तो अपने हकूक के लिए, तो मिनोरिटीज नाइज पाकिस्तान हमेशा ये वाहिद प्लेटफॉर्म है कि हमने मिस यूज़ ऑफ क्लास लर्निंग पर बात की, हमने फोर्स कन्वर्शन पर बात की, हमने जो मौजूदा इलेक्शन सिस्टम था इस पर हमेशा इस पर बात की, हमने जहाँ भी इसका साल हुआ वहाँ पर हम जाके लड़े हैं, और हमने जो शहबाज वर्दी की जो आवाज़ थी उसको हमने वो दिया जलाए रखा, हमने उस शमा को बुझने नहीं दिया। तो जालिम लोगों ने 2011 में उनको शहीद करके कोशिश की थी कि ये आवाज़ दब जाएगी, यकीनी तौर पर मिनोरिटीज राइज पाकिस्तान मैं और मेरी टीम हमने उस आवाज़ को बुझने नहीं दिया, हमने वो रोशनी बरकरार रखी है। और यकीनी तौर पर उस रोशनी को बरकरार रखने में आपका भी किरदार है, आपने वो शमा पकड़ी हुई है सहाफत के मैदान में और आप उसको रोशन कर रहे हैं। हम यकीनी तौर पर आज हम सब मिल के भी कमिटमेंट करते हैं कि हम अपने लोगों के लिए हमेशा उनके हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जानों का नजराना क्यों ना पेश करें, हम कभी भी देख नहीं करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत है जो आज भी किसी खौफ के बगैर, जो मुश्किल हालात के बगैर, जो हालात की संगीनियों, इंतहा पसंदों के डर और खौफ और लोगों की थ्रेट्स के बावजूद हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे और दुनिया को बताएँगे कि पाकिस्तान में जो हम लोग हैं ये गैरतमंद लोग हैं, ये ना सिर्फ अपनी धरती के लिए, अपने अकीदे के लिए, गिरजों और बाइबल मुकद्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने लोगों की ज़िंदगी के लिए खड़े हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। खास तौर पर अकबर भाई का, मैं अकबर भाई को ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये कि गुज़श्ता शायद 2 साल 2-3 साल से एक दफ़ा मेरी उनके साथ बातचीत हुई जस्ट टेलीफोन फोन के लिए, और मैंने जाज साहब से कहा इस बंदे में दम है और बाइबल में ये लिखा है कि उस दिन जो है वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता, जो काम हम कर रहे हैं नेशनल न्यूज के हवाले से बात बताऊँ आपको, उसके ऊपर नंबर चलता है रेजिडेंट का, उसके ऊपर ईमेल चलती है, हमें भी कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि अगर हम डर गए हमने बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो शहबाज भट्टी साहब उस वक्त जब उन्होंने तहरीक शुरू की थी वक्त उस वक्त मुख्तलिफ था, आज का दौर उससे बहुत मुख्तलिफ है और बल्कि बहुत कठिन और मुश्किल रास्ता है। उस वक्त उनकी सपोर्ट का लेवल और था और गवर्नमेंट में भी उनके पास सपोर्ट थी, बहुत कुछ था और उन्होंने काम किया लेकिन अगर मैं आज देखता हूँ और खास तौर पर अकबर भाई को देखता हूँ तो उनकी स्ट्रगल शायद उनसे बहुत ज्यादा, ये उनकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल वक्त में।
और ख़ास तौर पर जो हमारी कम्युनिटी है, मैंने इनसे पूछा ये बात कि जो कमिटमेंट का लेवल है वो बहुत ही लो दर्जे का, ये बड़ी बात है। हमारी कौम आज भी किसी को लीडर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाहर की बात को छोड़ो, अपने अंदर ही लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं करते। अगर आप खुद अपने लीडर की इज्जत नहीं करोगे, अपने लीडर को वो जगह नहीं दोगे और वो मुकाम नहीं दोगे जिसका वो हकदार है, तो दूसरे कर उसको मांगे। मैंने जाट साहब को कहा, मैंने उनको कहा मैंने जो नेशनल न्यूज का मैं ऐसे लेने के लिए लॉटरी लाइन्स का चलिए, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मुझे भी ऑफर हुई थी पहले भी, उनका इतने पैसे दे दो आपको सेंटर बन सकता, पैसे भी दे सकता, लेकिन मेरी गाँव का क्या, जो जितने पैसे लगाते आता है उससे डबल उसको खाते हैं, तो बिजनेस है। अभी जो जिस तरह हमारे लीडर्स हैं ये कौन किया पार्लियामेंट में और ये सब कुछ, तो इन बेचारों की क्या हालत क्या है, वो आपके सामने ही है सारे। वो एक औरत बनी है, वो कहती है कि एक ही हमारा काम था, मतलब क्या खुद सोचो कि खुद ही अपने आप को हम लोग करते हैं। हमें अकमल भाई जैसे बिजनेस्ट हैं, ठीक है, मेरी दुआएं इनके साथ हैं, हमारी जितनी दादा हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन आप सब तो भी खड़े हो सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरे पाकिस्तान में, तो बच्चे बच्चे को बताना चाहिए। हम उनको एक मान लो यार कि पार्लियामेंट में जाना है और वो हमारी बात बने तो जरूर बनेंगे। आज का दिन और ये टाइम नोट कर लें, ये जरूर हमारी बात बने, क्योंकि मुश्किल वक्त होते हैं, हम भी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। आज मैं इनको बता रहा हूँ कि यार चैनल को अपग्रेड करें, लास्ट टू मंथ्स में हमारे पास तकरीबन 20,000 सब्सक्राइबर्स और है और लोगों ने दिया। अभी अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन क्रिश्चियन जो है वो भी साथ आए हमारे, ठीक है, तो क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो हम लोग शायद हमारे लोग तलीमी लिहाज से उनसे बहुत पीछे हैं, तो वहाँ के मसीही तलीमी लिहाज से बहुत आगे हैं, तो अगर उनका आपस में इंटरेक्शन होगा एक दूसरे से मिलेंगे बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ कुछ हम उनसे सीखेंगे, कुछ वो हमारे से सीखेंगे, लेकिन हम एक नॉमिनेशन सिंह के की मोहब्बत में हम सब लोग एक ही माला की मोती हैं। डजंट मैटर वो अमेरिका में है, डजंट मैटर वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, हम सब तो बैठे हो ना, जैसे अकमल भाई हैं उनको जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं, तो मेरी तो जिन लोगों से भी बात होती है डिफरेंट शहरों में उनको मैं ये कहता हूँ यार आप उनको सपोर्ट करें, हम चाहते हैं कि ये लोग पार्टी लेते हैं, कोई बात नहीं, और 10 साल लगेंगे 20 साल लगेंगे, एक ना एक दिन तो इसमें अपनी सक्रिय बनना ही है, इसके अलावा से हमारे करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाएगा सबको तो हम लोगों की भी कदर हो जाएगी माशरे में, लेकिन जैसे भी है जितने भी हमारे अंदर ताकत है अपने उसको इस्तेमाल करके हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, ये बड़ी जरूरी चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जो है हमारे ऐसी जॉब उन चीज़ों को हम छोड़ें जिनकी वजह से हमारे ऊपर एक मतलब दबा लगा हुआ उस दबे को धोई हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं, घर में माएँ जो है वो कर सकती हैं। और अपनों का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो काला कोट पहन के आती है, तो बच्चों को देखना है ना उन्होंने भी काला कोट पहनना है, कुछ तो करना है ना। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जो आपने आज दिखाई, मैं आप सबके साथ हूँ और आप सबको शुक्रिया। देखिए जी ये शील जरा पहले हम ये प्रेजेंट करेंगे खान साहब को। सर तुम सील सर